मैं अभी अमरावती आईएमसी हॉस्टल में हूँ और अभी हम लोग निकलने वाले हैं मेलघाट ट्रिप के लिए। गुड मॉर्निंग प्रीत, होपफुली टुडे इट्स गोइंग टू बी एज गुड एज द लास्ट, लेट्स सी। सो आई एम गेटिंग रेडी फॉर द मेलघाट ट्रिप। आज मैं साथ में पहुँचना है वहाँ पे, साथ में वहाँ पहुँच के रिपोर्ट करना है, लेकिन देखता हूँ कितने पहुँच गए। मैं अभी ट्राइडिंग हो चुका हूँ, रेडी हो रहा हूँ, हाथ से आने वाले मजा करेंगे वहाँ। आपको मेरा जय सर्वे चढ़ा है इश्क के साजिश इश्क की सब लोग इजे और एमजे के लोग सब जम जा रहे हैं मेलघाट, तो चलते हैं दोस्तों। सलाम वालेकुम, शबा खैर। We are just about to leave for Melghat. Everyone is so much excited. मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे ये बस देख के बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है और हम जा रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है और हम सबके साथ जा रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मुझे किसी बात की एक्साइटमेंट नहीं है, बस हम सब साथ में जा रहे हैं, बहुत एंजॉय करेंगे, काम भी करेंगे लेकिन एंजॉय भी करेंगे। अरे दादा सर ने बोला था 5 बंदे बैठेंगे ना, रास्ते में बहुत इंजॉय किया क्योंकि सारे जो मेरे दोस्त थे बहुत बहुत फनी थे और सब लोगों ने गाना गाया, डांस भी किया, मस्ती किया। और तो हम लोग बीच रास्ते में ऐसे गाड़ी रोक के और ऐसे फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर रहे हैं और सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये काफ़ी thank you.
चिकलदरा की इस खूबसूरती का अंदाज ही कुछ और है। यहाँ बरसात में आओ तो उसकी नज़ाकत कुछ और है, यहाँ ठंडी में आओ तो उसका रुतबा कुछ और है, यहाँ गर्मी में आओ तो यहाँ की ठंडक कुछ और है। संकुल पहुंच चुके हैं और ये जो समाडोह संकुल है ये एक जंगलों के बीच में है और चिकलधरा से ये 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो चिकलधरा से हम लोग अपनी गाड़ी से ही, अपने जो ट्रेवलर वैन था उससे हम लोग आए हैं। और रास्तों के बारे में तो आप पूछो मत यार, रास्ते तो बड़ा मतलब एडवेंचरस थे क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट से होके आए हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक बाइसन, एक एनिमल भी देखा और इसमें बहुत तरह तरह के एनिमल्स भी रहते हैं। तो भाई दबे मज़ा आया ट्रेवलिंग में। और सबसे बड़ा ये था कि वहाँ पे इतने ज़्यादा इंटरसेक्शंस थे रास्ते में, कहीं कहीं 180 डिग्री पे, कहीं 360 डिग्री पे, कि मतलब मज़ा आ गया। और अभी हम लोग ये जो सामने जो गेस्ट हाउस दिख रहा है इसी में हम लोग रुकने वाले हैं। मतलब ईजे के और एमजे के सारे लोग इसी गेस्ट हाउस में आज रुकने वाले हैं। और यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे क्या चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 350 रुपीज़ पर हेड है चार्ज, और उसमें डिनर नहीं है। तो कल मॉर्निंग में हम लोगों को जो ब्रेकफास्ट का है वो ब्रेकफास्ट है इंक्लूडिंग 350 में, और डिनर हम लोगों को यहाँ पे अलग से लेना पड़ेगा। और पता है यहाँ पे चारों तरफ जंगल है मतलब, और ये बीचों बीच आपके बच्चे भी हो गए और आप भीख भी मांग रहे हैं, तो क्या चाहते हैं सरकार? क्या हुआ, एक बार हमने ट्रिप बनाई मेलघाट की, बच्चे का और मैं कहा गया था कलेक्टर हमारी ट्रिप, और मजाक मजाक में रज्जाक हो गया, कलेक्टर कह रहा हमसे कहा गया मजाक में हमारे भी बच्चे हो गए, पूरी हमारी ट्रिप को पूरा वो करेगा कलेक्टर, स्पॉन्सर वो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब से हम लोग है ना सड़क पे आ गए, और देखिए इसके तो पूरे कपड़े भी नहीं मिले। देखिए आज के ये आईएमसी के बच्चे जो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, खुद बदल गए तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस पे सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भीख चाहिए, भीख मोबाइल नहीं चाहिए, भीख चाहिए। हाँ बात कर रही हूँ मैं, भीख चाहिए। देखिए ये लड़की बहुत इमोशनल हो गई। क्या क्या नाम, नाम क्या है, नाम क्या है आपकी, आपका नाम क्या समृद्धि निगम? आप हंस रहे हैं कि आप रो रहे हैं? हम रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, नसीब से नसीब पे हंस रहे हैं। आप इनको भी क्यों नहीं दे रही हैं? अबे वो हमारे रिपोर्टर है, क्या रिपोर्टर है, बोल मारूंगी इनके भीख से। मेरी रोजी चलती है, मेरे बच्चे बड़े होते हैं इनके भीख से। ये मेरे मैनेजर, इन्होंने मुझे मैनेजर अपॉइंट किया है आईएमसी। पीछे देख सकते हैं किस तरह से मस्ती हो रही है। और रात के 9 बज चुके हैं और अभी मैंने जो आप पीछे वीडियो देखे किस तरह से सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी खुश है। अभी खाने होने का डिनर का कुछ पता नहीं है, कब तक डिनर होगा, कब तक डिनर मिलेगा, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट दैट आई विल हैव डिनर बिकॉज आई एम गेटिंग हंगर। और ऐसे ही बहुत अच्छा दिन रहा आज का, अब डिनर लेना है, उसके बाद सोना है, हो सकता है उसके बीच में भी हम लोग कुछ फंक्शन वगैरह करें। क्या तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? तो हमें बोलो ना कुछ करने के लिए। हाँ तो 28 तारीख की सुबह हो चुकी है और सुबह के लगभग 8:30 बज रहा होंगे या 9 बज रहा होगा, और मैं उठा हूँ लगभग 7:45 बजे। और यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग रात को सोते हैं। ये बॉयज का है और इसके ठीक फ्रंट में एक ऐसे ही हॉल है, उसमें गर्ल्स थी रात भर, और इसमें हम लोग के साथ सर भी थे। तो रात को तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा नहीं पाया,
वहाँ पे बहुत अंधेरा था और वहाँ पे सर भी मना कर रहे थे कि मतलब मोबाइल का टॉर्च या फ्लैश जलाना मना था, बिकॉज हम लोग जंगल में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये बाहर ये जो बाहर का जो नजारा है इतना अच्छा है। मैं सुबह उठ नहीं पाया, मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दिया, मुझे उतना क्या था इतनी रात की सुबह उठ नहीं पाया। सिर्फ 1500 रुपए 1500 एक रात के लिए, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और ठीक है, यहाँ का जो खाना वाना भी है वो ठीक है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा भी नहीं है। और खाने में आपको पोहा मिलेगा सुबह मॉर्निंग में, वो भी जो जो भी आपका चार्जेस था जो रहने का उसके साथ इंक्लूडिंग था पोहा और एक चाय। चाय भी ठीक था, खाने में हम लोग रात को खाए, खाना उतना अच्छा नहीं था जितना जितना चाहिए, ठीक है, जितना पैसा लेते हैं उस हिसाब से तो अच्छा नहीं था, बट ठीक ठाक। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। We'll be right back.
हरिशाल गांव में ही है और लगभग 1:30 बजने वाला है और मैं खा रहा हूँ खाना। मेरे ग्रुप के जितने भी लोग थे वो अभी बिजी अपने काम में, मुझे बहुत तगड़ा भूख लगा था इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। विलेज में और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर किया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली हमको और ये देखिए मुझे एक रोज भी मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम सब लोग हमारे हॉस्टल पे आ गए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सातोकर जी। बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने दो दिन। आई रियली एंजॉय टुडे एंड यस्टरडे, इट वाज अ ग्रेट 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 ट्रिप। Okay. So, right now we are very much exhausted, but we enjoyed our trip. Our second day was completely wasted, but we enjoyed our first. Yeah.